सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यार आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं पोकेमोन यूनाइट। तो यार बेसिकली अभी आपको मेरा चैनल देख के पता चल गया होगा कि ये मेरी पहली वीडियो है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा गेम स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लाइक किस चीज़ के रिलेटेड ये चैनल बनाया गया है। वैसे तो नाम देख के आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। ये बेसिकली एक गेमिंग चैनल है एंड इस पर गेम के रिलेटेड ही सारी वीडियोज़ आएंगी। इन फ्यूचर अगर प्लान बदला तो हम आगे देखेंगे, बाकी अभी फिलहाल के लिए तो इसमें गेम के रिलेटेड ही वीडियो आएगी। ठीक है, अभी आप जैसे कि पीछे देख पा रहे हो, एक पोकेमोन यूनाइट गेम है। ठीक है, तो मैं जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता है कितनी तगड़ी गेम है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में बेसिक, कि बेसिकली ये किस टाइप की गेम है। इसमें हम सबके अपने अपने पोकेमोन होते हैं एंड इन वो जो पोकेमोन होते हैं हमें उन्हें इवोल्व कराना होता है। उनका बेसिकली लेवल बढ़ता है अगर दूसरे जंगली पोकेमोन्स को मार के। ठीक है, वो अभी आपको गेम में बताऊंगा मैं सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फिर आपको पता चलेगा। जितना ज़्यादा लेवल होगा पोकेमोन का उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और मैक्स लेवल होता है इस गेम में 15 लेवल एंड हमें पोकेमोन को इवोल्व भी करना होता है। तो अभी हम रैंक मैच स्टार्ट करते हैं एंड कोई तगड़ा सा पोकेमोन लेके तबाही मचाएंगे हम। अभी तो वैसे पता नहीं क्या होने वाला है, बट स्टिल देखते हैं। अभी गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैच मेकिंग होने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं सीधा मैच के अंदर मिलता हूँ उससे। तो यार फाइनली अब देखना है 47-48 सेकंड में जाके इसका मैच स्टार्ट हो जाता है एंड मैं फटाफट से रेडी कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यार गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि 47 सेकंड कम नहीं होते। अब सबसे पहले मैं मैच में घुसते ही टायरनिटार को छू लेता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले सोच रखा था कि लाइक पहला गेम प्ले है तो एक बार नए पोकेमोन पे ही करते हैं एंड कोई ऐसा पोकेमोन चुनते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता हो। अब जो जिन्होंने थोड़ा सा भी पोकेमोन देखा, जैसे एक दो सीज़न भी अगर देखे हैं, तो उन्हें टायरनिटार के बारे में तो पक्का पता ही होगा। ठीक है, मैंने पहले सोचा था कि लाइक चार्जार्ड के बारे में, चार्जार्ड का गेम प्ले करते हैं, चार्जार्ड का तो सबको ही पता है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा अभी चार्जार्ड का रैन देते, क्योंकि अभी न्यू भी आया तो इसका ट्राई भी हो जाएगा और लगे हाथ गेम प्ले भी हो जाएगा, और बहुत से लोगों को मेरे को जहाँ तक लगता है मेरी ओपिनियन में पता होगा। ठीक है, तो यार अभी जब तक ये मैच स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ बेसिकली। और इसमें क्या होता है, आप जैसे कि अभी देख पा रहे हो ऊपर ये कार्ड से बने आ रहे हैं पोकेमोन के, तो जो ऊपर बने आ रहे हैं वो हमारी टीम है एंड जो नीचे बने आ रही है वर्सेस के नीचे वो दुश्मनों की टीम है। ठीक है, एंड अब इसमें होता क्या है बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हम 5 बंदे होते हैं जिसमें से 4 टीममेट होते हैं और 1 हम खुद होते हैं। तो सीधी सी बात है, टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गेम में। अगर टीम वर्क नहीं होता तो लिटरली हम हार भी सकते हैं, चाहे कितना भी प्रो बंदा ही क्यों ना हो, हम पक्का हारेंगे अगर टीम वर्क नहीं होता। ठीक है, एंड अब और इसमें क्या होता है, हमें ना बेसिकली यहाँ पे ना गोल पोस्ट होते हैं सामने वाले टीम के, हमें वो तोड़ने होते हैं, और वो टूटते कैसे हैं, ये जंगली पोकेमोन होते हैं उनको मार के हमें कुछ क्वाइंस मिलते हैं और उन क्वाइंस से वो टूटते हैं, वो गोल टूटते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे कि देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि मैं अभी ये एक जंगली पोकेमोन को मार रहा हूँ, तो इसे मारने से मेरे को 4 पॉइंट मिलेंगे। देखो 4 मिल गए, अब मेरे 6 हो गए। देखो नीचे बॉटम में पोकेबॉल सा बना आ रहा हुआ, और वो जो पोकेबॉल है ना वो लिटरली हमारे कॉइन्स को बताते हैं कि अभी हमारे पास देखो 6 कॉइन्स है। ठीक है, अभी इसे मारूंगा 4 और जुड़ जाएंगे, 10 कॉइन हो गए। ठीक है, अब इन 10 कॉइन का मैं गोल कर सकता हूँ। अभी नीचे 10 कॉइन के नीचे आपको दिख रहा होगा 30, तो अभी हम छोटे हैं थोड़ा इवोल्व नहीं हुए, इसलिए हमारी 30 की लिमिट है, हम लास्ट कॉइन 30 उठा सकते हैं। ठीक है, एंड अभी देखो इस केकड़े को भी मारता हूँ मैं, उसके बाद फिर देखो चलते हैं। अभी 16 पॉइंट हो गए, अब हम इवोल्व हुए, हालांकि लिमिट अभी नहीं बढ़ने वाली, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा फिर 40 की लिमिट होगी एंड देन 50 की। अभी 40 का मेरे को नहीं पता 40 की होती भी है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से होती है, तो 40 और 50 की भी अभी लिमिट होगी, फिर उसके बाद 50 की लास्ट लिमिट होती है। ठीक है, एंड यार अब यहाँ पे तगड़े ही लड़ाई हो चुकी है, देखते कौन जीतता। अभी एक काम करके 20 लेना नहीं है, 20 लेते हैं फटाफट। अब भाई रुकते देखते हैं, नहीं भगले वैसे यार देखा जाए तो टीममेट बचा सकता था मेरा, उसे भी हम अगर वो मेरे साथ होता ना गाइस लिटरली हम उन्हें पकड़ लेते, बट चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसे। बट बात ये है इसमें ना टीममेट का बहुत ज़्यादा वो होता है, अगर टीममेट साथ नहीं देंगे तो लिटरली हम फिर कुछ नहीं कर सकते गाइस। अभी देखो मैं चलता हूँ फटाफट से, इवोल्व हो जाऊँ बस किसी तरह, फिर तो टायरनिटार बनने के बाद इन्हें लिटरली फाड़ के रख दूंगा। अभी जल्दी से इसे लेते हैं एंड देखते हैं अभी कितना लेवल होता है। तो गाइस यार अभी मैंने ना इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया, बिकॉज उस वक्त मैं फार्म कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पार्ट कट कर देते हैं, फिर वो थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाता है। जब मैं लड़ाई करने जाऊँगा सीधा तभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ तो मैं गाइस ये कह रहा था कि यार देखो
लुकारियो पत्नी क्या कर रहा है, बट चलो ठीक है जो भी कर रहा है उसे, तो मेन ये है कि वो संभाल पा रहे हैं। यार मैं फिर से अपना मूड तोड़वा के यहाँ पे फिर से मैं ये जंगली पोकेमोन को लेने आ गया। और फाइनली भाई अब तुम्हारा भाई वोल हो गया, अब इनकी भाई सच में अब इनकी बैंड बजेगी, सच बता रहा हूँ, अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखो मुझे भाई शरीर देखो भाई इसका कितना बड़ा हो चुका है, वैसे कि एकदम कछुए जैसा था पहले, कछुए जैसा था मतलब कीड़े जैसा था एकदम पहले, बट ठीक है चलो अच्छी बात है। चलो भाई रोटम करके दो भाई, और वाह यहाँ पे हमने रोटम लिया और उन्होंने ड्रेडनॉट चुरवा दिया। यार देखो यार देखो क्या कर रहे यार ये टीममेट पत्नी। चलो कोई बात नहीं यार ये सब तो होता रहता है, हमने रोटम लिया उन्होंने ड्रेडनॉट लिया, हिसाब बराबर हो गया वैसे तो। लेकिन चलो अभी एक काम करते हैं, अभी इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ज़्यादा हो रहा है कि एचपी बहुत कम है इसके, हुई फेलता हूँ मैं पकड़ के, वो यूनाइट चलाना पड़ेगा अपने को। जा आ जा बेटा तू आए जिसले, अबे भाई यार जब भी पा लिया इसने मेरे को फिर से, क्या चल रहा है, मैं भाग रहा हूँ भाई, भागो भाई भागो, 200 की स्पीड में भाग लिया भाई मैं तो। अब आओ भाई कौन चौड़ा हो रहा था, हाँ भाई जिसलैस तू चौड़ा हो रहा था, इधर आ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं जा सकते आज स्लो ब्रो, अब तू अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं अब तू नहीं बचेगा। और दूजा भाई तू भी, अबे यार चला गया वो आज से, चलो कोई बात ये बचाने आया था ये भी चला गया। अरे भाई 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 इन्होंने तो बंदे बुला लिए, चलो कोई बात नहीं हम पेल देंगे, नहीं कोई बात नहीं कहाँ तक जाओगे बेटा, ये ले उसे तो पेल ही दिया इस लैस को, और क्या करेगा भाई पेल दिया देखो मैंने वो भाई। ब्लास्टोस बढ़िया भाई यूनाइट चला रही, अब तो ये मरेंगे, अब तो इन्हें मार के जाना, यूनाइट वेस्ट नहीं होने देना भाई का। चलो भाई ज़्यादा हो रहा तू भी जा, इसे तो मैंने इतना पहले स्टार्टिंग में मेरे से मजे ले रहा था, अब टेरेनिटार बन गया ना, मैं लिटरली इसे छोड़ ही नहीं रहा। अभी जल्दी से बेस में चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यार अभी यहाँ पर देखना एक फनी सीन होगा बहुत तगड़ा सा, देखो अभी ग्रेनिंजा को लग रहा है मैं यहाँ पे नहीं हूँ, पर अचानक किसके सामने आ जाऊँगा दप्पा कर दूंगा। देखो बेटा अब तू नहीं बचेगा, अब तो भाई एक्सपीड यूज करके इसे मार के जाऊंगा, पर ये मर के रहेगा। अबे यार क्या है यार ये हर वक्त उसे बचा लेता है भाई, इसे लिटरली स्लो ब्रो ने अपना यूनाइट चला दिया ये उसे बचाने के चक्कर में, भाई क्या चल रहा है यार ये। चलो कोई बात नहीं वो भी पिट गया, अच्छी बात तो ये है कि मतलब उसका यूनाइट भी वेस्ट ही हो गया मेरी, उसने उसके यूनाइट ने जरा भी एचपी नहीं ली। एक काम करते हैं मैं देखता हूँ जब तक, चलो रोटम ही लेते हैं यार, जितनी जल्दी रोटम को हम मेल्ट करेंगे ना उतनी जल्दी हमारे को और पॉइंट्स मिलेंगे, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी चलते हैं रोटम को पुश करवाते हैं। पुश तो खैर छोड़ो, पहले कॉइन इकट्ठे करते हैं। एंड भाई नीचे ड्रेडनो पे जाना है यार, ड्रेडनो तो मैंने देखा ही नहीं, ब्लास्टोइस वहाँ पे अकेला क्या कर लेगा यार, बस ब्लास्टोइस चुरा ले। वाह मैं कह ही रहा था ब्लास्टोइस चुरा ले, वो ब्लास्टोइस खुद ही मर गया, मैं ट्राई करता हूँ बस। अबे यार भाई इसे फिर बचा लिया भाई, ये डिफेंडिंग का काम बहुत ओपी कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं, लाइक ये सपोर्टर वाला काम भी कर रहा है एक तरह से एंड डिफेंडिंग वाला भी कर रहा है, हालांकि ये पिट जा रहा है, पर बात ये है कि अपने टीममेट्स का ये साथ दे रहा है, जैसे इसने लिटरली पिछली बार ग्रेनिंजा को बचाने के लिए यूनाइट चला दे रहा अपना ताकि वो भाग जाए, तो मतलब ये टीम वर्क कर रहा है जो स्लो ब्रो है। और भाई तू आ जा तू फिर पिटने आ जा मेरे से, भाई कितनी बार पिटेगा यार ये भाई ये पहले मेरे बहुत मजे ले रहा था जब मैं वो था। अबे भाई यूनाइट रुक जा मैं चला तो तेरी बहस के, अबे यार यूनाइट भी वेस्ट हो गया मेरा। चलो कोई 19 सेकंड का टाइमर लगा है, जल्दी से कट करते देखते क्या होता है, ज़ैपडोस भी स्पॉन होने वाला है ऐसे ही। एंड यार देखो अभी यहाँ पे बस 10 सेकंड बचे हैं, उसके बाद ज़ैपडोस स्पॉन हो जाएगा, 10 भी नहीं अब बस 5 सेकंड बचे हैं, ठीक है तो जल्दी से इसे पेलते हैं। एंड यूनाइट तो अब नहीं आ पाएगा, तो एक काम करते हैं ऊपर ही चलते हैं देखते हैं, ट्राई करेंगे चुराने का, वैसे चुरा तो इसे इसके डार्क पल्स से चुराया जा सकता है नहीं चुराया जा सकता वो नहीं पता, लेकिन काम करते हैं। हालांकि मेरे को पता है भाई हम जीत रहे, लेकिन स्टिल हम ज़ैपडोस ले रहे हैं जो कि गलत बात है, लेकिन मैंने सोचा इन्हें थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए मैं थोड़ा सा उसे मेल्ट कर दूँ, वो ज़ैपडोस मैं वैसे भी पूरा नहीं लेने वाला था। एंड अबे भाई यार ये मारेंगे यहाँ पे फिर यूनाइट चला दिया भाई इसे सारे यूनाइट मेरे पे ही चलाया क्या भाई स्लो ब्रो ने, भाई जिनको जाने थे गलती हो गई, अगली बार से नहीं आऊँगा, आऊँगा क्यों नहीं बेटे यहीं पर ही आऊँगा इसलिए अब तो मेरे टीममेट ने भी यूनाइट चला दिया, अब बोलिए ज़्यादा फालतू बोल रहा था अभी वो वहाँ उनके तीन बंदे मर रखे, जल्दी से हमें ना फटाफट ज़ैपडोस स्मेल्ट करना पड़ेगा, हम ले लेंगे आराम से। और ले लिया भाई, किसने लिया, एचपी ऑन ले लिया, बहुत बढ़िया भाई, चलो किसी ने तो लिया कम से कम, मेरे को भाई मेरी एचपी कम है बस ये मेरे को करने दे गोल्ड 44 का, बस हो गया चलो जी चलो अब तुम करते रहो आराम से करो, मैं इसके सामने बेस में अभी नहीं, मैं सोचा इसके सामने बेस में जाऊँगा इसे चिढ़ा के, बट इसका नसीब है पिटना तो अब मैं कर भी कह सकता हूँ, अब चलते हैं बेस में एकदम इनके मुँह पे भाई कैसे छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ मैं और बेस में जा रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, चार्जार्ड है नीचे, चार्जार्ड को थोड़ा हाई येलो करके, अब वाह
लुकारियो ने मार ही दिया। चलो यार, अब की बार की टीम मतलब ठीक ठीक ही मिली है यार, देखो ज़्यादा ना बुरी मिली एंड ना ज़्यादा अच्छी मिली, मतलब ठीक ठीक है। एंड बाकी तो यार चलो सही है यार, क्या ही बोलूँ मैं। अभी एक काम करते हैं, 32 का गोल है, 32 का अब 33 का गोल हो गया, 33 का, एक काम करते हैं फटाफट से इस गोल को करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गए तो मजे ही आ जाएंगे, देखते हैं लेट्स सी होता है कि नहीं होता। जिस लहर से वहाँ पर जा रहा है मैं फटाफट जा रहा हूँ 33 का गोल करने, देखते हैं। अबे एक मिनट, ओ भाई हो गया भाई, वो लुकारियो को मारने में बिजी थे, मैंने कर दिया उठने में, मेरे को लग रहा था नहीं हो पाएगा बट हो गया। आ जाओ भाई, अब आ जाओ, मेरे को मार के दिखा दो कोई। अबे यार यूनाइट चला दिया फिर से, क्या है यार ये भाई, मैं भी यूनाइट चलाऊंगा भाई, मैं तुम्हारे सो भी। अबे यार चलो कोई नहीं, वैसे मैच कौन जीता है मेरे को ये देखना है, वैसे ऑब्वियस सी बात है हम ही जीते होंगे, बट स्टिल देखते हैं स्कोर कितना है, मतलब कितने स्कोर से जीते हैं, लेट्स सी। एंड सही है यार, 600 और 200 का अगर हिसाब से लगाए तो ठीक है, हमने बढ़िया मार्जिन से जीते हैं। तो चलो यार, एंड यार हमेशा की तरह तो खैर क्या ही, मतलब हम इस मैच में मैं MVP बन गया। एंड आप यार मेरे क्या कहते हैं मूव सेट एंड डिटेल्स देख सकते हो, डैमेज कितना था एंड बाकी चीज़ें। एंड अभी आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।